एक समय की बात है, कृष्णपुर नाम की जगह में एक छोटी सी फैमिली रहती थी। उस फैमिली में बस दो लोग रहते थे, कोमल और उसकी एक बेटी गुड्डी। कुछ ही दिन बाद गुड्डी का जन्मदिन आने वाला था। वो 7 साल की होने वाली थी। गुड्डी को बाहर घूमने का बहुत शौक था। एक दिन कोमल सोचती है कि वो अपनी बेटी गुड्डी को उसके जन्मदिन पर क्या गिफ्ट दे। एक दिन जब कोमल और गुड्डी साथ में बैठकर टीवी देख रहे होते हैं, तब गुड्डी अपनी माँ से बोलती है, माँ मेरा बर्थडे आने वाला है तो आप मुझे क्या गिफ्ट दोगे? अच्छा गुड्डी तुम ही बताओ कि तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। अगर तुम्हें कोई अपनी पसंद की चीज चाहिए तो मुझे बता दो। नहीं माँ, अभी तक तो मैंने अपने बर्थडे गिफ्ट के बारे में कुछ सोचा ही नहीं है। जब सोच लूंगी तब मैं आपको खुद ही बता दूंगी। चलो ठीक है, जब तुम अपने गिफ्ट के बारे में सोच लो तो फिर मुझे बता देना। ओके माँ। अच्छा माँ चलो, गिफ्ट तो होता रहेगा। इस टाइम मुझे बहुत तेज वाली भूख लग रही है, जल्दी से आप मुझे खाना दे दो। इसके बाद कोमल गुड्डी के लिए खाना बनाने चली जाती है और खाने में गुड्डी की मनपसंद गोभी के पराठे बनाती है। अब मैं जल्दी से गुड्डी के लिए गोभी के पराठे बना देती हूँ। माँ माँ, अब और कितनी देर में खाना दोगे आप? जल्दी दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ बस 2 मिनट और, अभी ला रही हूँ खाना। फिर कोमल गुड्डी के लिए गर्मा गर्म गोभी के पराठे लेकर आती है। ये लो, तुम्हारे मनपसंद गोभी के पराठे हाजिर है। क्या माँ आपने मेरे लिए गोभी के पराठे बनाए हैं? हाँ हाँ बेटा, तुम्हारे लिए ही बनाए हैं। इसी तरह दिन बीत जाते हैं और कुछ ही दिन बाद गुड्डी के बर्थडे को बस एक दिन बाकी होता है। कोमल भी सोच लेती है कि वो गुड्डी को क्या गिफ्ट देगी और वो गुड्डी के पास जाती है। हाँ तो मैंने सोच लिया कि मैं तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर क्या दूंगी। बताओ ना माँ, आप क्या दोगे मुझे? तुम्हें घूमने का इतना शौक है तो कल हम सब 2 दिन के लिए जयपुर जा रहे हैं। अरे वाह, ये तो सबसे अच्छा गिफ्ट है माँ। अगले दिन ही गुड्डी का बर्थडे होता है, इसलिए कोमल एक रात पहले ही सारी पैकिंग कर देती है और फिर सब सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। ओहो कितना लेट हो गया, आज तो गुड्डी का बर्थडे है। चलो जी जल्दी उठो, गुड्डी के पास जाकर उसे बर्थडे विश करते हैं। फिर कोमल और राजेश दोनों गुड्डी के पास जाकर उसे बड़े प्यार से बर्थडे विश करते हैं। हैप्पी बर्थडे हमारी प्यारी सी गुड़िया रानी। थैंक यू मम्मी पापा। चलो अब जल्दी से उठकर तैयार हो जाओ, हमें कहीं निकलना है, हमें लेट हो रहा है। हम कहाँ जा रहे हैं? सरप्राइज है तुम्हारे लिए। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज माँ? वो तो तुम्हें कुछ ही देर में पता चल जाएगा। नहीं माँ, बताओ ना माँ, क्या सरप्राइज है मेरे लिए? नहीं मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। उसके बाद पूरा परिवार जयपुर के लिए निकल पड़ता है और शाम तक जयपुर पहुंच जाते हैं। होटल पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है और तभी बादल गरजने लगते हैं और कोमल को भी कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। ये बादल इतने क्यों गरज रहे हैं? अभी तो मौसम सही था, एकदम से क्या हो गया? लगता है बारिश होने वाली है। चलो जल्दी अंदर चलो। सब लोग होटल के अंदर जाते हैं। एक्सक्यूज मी, हमें एक रूम चाहिए। सर फिलहाल तो कोई रूम नहीं है हमारे पास। हाँ पर एक रूम है। हाँ तो आप वही दे दीजिए हमें। अरे ये मैंने क्या बोल दिया, ये तो वही रूम है जिसमें कई दिनों पहले कुछ भूतिया घटना हुई थी। खैर मुझे क्या, हमें तो पैसों से मतलब है। फिर मैनेजर उन सबको उस कमरे में ले जाता है। फिर थोड़ी देर बाद 12 बज जाते हैं। माँ मेरा बर्थडे तो आपने मनाया ही नहीं। मनाएंगे बेटा, पर अभी नहीं, कल। मेरे सिर में थोड़ा दर्द है तो चलो अब हम सब सो जाते हैं। ठीक है माँ। उसके बाद गुड्डी सो जाती है। कमरे में थोड़ी गर्मी होती है इसलिए कोमल पंखा चला देती है, पर पंखे के चलते ही उसमें से अजीब सी आवाज आने लगती है। अरे ये पंखे में से कैसी आवाज आ रही है? पता नहीं कितने साल पुराना पंखा है, इसीलिए आवाज कर रहा होगा। तुम सो जाओ। कोमल अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। जैसे ही कोमल लेटती है और अपनी आंखें बंद करती है, उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसे कोई देख रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मुझे देख रहा है? शायद ये मेरा भ्रम होगा। चलो मैं अब सो जाती हूँ। कोमल दोबारा अपनी आंखें बंद करती है, तभी पंखा अपने आप ही बंद हो जाता है। ये पंखा बंद कैसे हो गया, मैं तो चलाकर आई थी। कोमल ऊपर देखती है तो पंखे पर एक चुड़ैल बैठी जोर जोर से हंस रही होती है। चुड़ैल चुड़ैल, हे भगवान ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? कहाँ से तो तुम लोग आए हो, मैं तो यही रहती हूँ, ये मेरा कमरा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? यहाँ जो भी आता है कभी जिंदा वापस नहीं जाता। सब जल्दी से भागकर दरवाजे की तरफ जाते हैं, पर दरवाजा खुलता ही नहीं। राजेश दरवाजे को तोड़ने की भी कोशिश करता है, पर सब मेहनत बेकार जाती है। मुझे बहुत डर लग रहा है पापा।
बेटा डरो मत, हम हैं ना तुम्हारे साथ। कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। चल तू इतनी डरी हुई है तो मैं एक काम करूंगी, तुझे सबसे आखिर में मारूंगी। मुझे नहीं मरना, मुझे बचा लो पापा। राजेश, कोमल और गुड्डी जल्दी से बालकनी में जाते हैं तो वहाँ का दरवाजा भी बंद हो जाता है और उसके बाद खिड़की भी अपने आप बंद हो जाती है। कोई है, बचाओ हमें, यहाँ चुड़ैल है। अरे कोई तो सुनो। कोमल जल्दी से मैनेजर को फोन लगाओ। कोमल जैसे ही फोन के पास जाती है, चुड़ैल फोन को हवा में उड़ा देती है और फिर उसकी तार कोमल के गले में लपेट देती है। बचाओ बचाओ, मेरा दम घुट रहा है। अभी तुझे और तड़पाऊंगी, फिर तुझे मारूंगी। चुड़ैल कोमल को खूब तड़पाती है और फिर दूर हवा में फेंक देती है, जिससे कि कोमल का सिर सीधा दीवार में जाकर लगता है। आ, आ, तुम ठीक तो हो ना कोमल? माँ आपको क्या हो गया? माँ यहाँ से चलो ना पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे नहीं मनाना कोई जन्मदिन। छोड़ दो हमें, हमें मत मारो, हमने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमारी गलती क्या है? तुम्हारी गलती ये है कि तुम यहाँ आ गए, वो भी जन्मदिन मनाने। बिल्कुल मेरी तरह, जैसे मैं आई थी कुछ सालों पहले अपने पति के साथ। मैं कितनी खुश थी, पर क्या हुआ था फिर? वो मेरा आखिरी जन्मदिन था, मेरे पति ने पहले मेरा केक कटवाया और मुझे बड़े प्यार से केक खिलाया, पर उस केक में पहले से कुछ मिला हुआ था जिससे मुझे होश नहीं रहा और फिर उसने मुझे पंखे से लटका कर मार डाला। पर क्यों मारा उसने तुम्हें? क्योंकि उसे किसी और से शादी करनी थी, मुझसे नहीं। उस दिन से मैं इस पंखे पर एक चुड़ैल बनकर लटक रही हूँ और जब भी कोई इस कमरे में आता है तो मैं उसको बिल्कुल वैसी मौत देती हूँ जैसी मेरी हुई थी। पर हमने तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया। मैं अच्छा बुरा कुछ नहीं जानती, मैं तो बस जानती हूँ कि मुझे हर एक उस इंसान को पंखे से लटका कर मारना है जो इस कमरे में रहने आएगा। ये कमरा मेरी जान है, ये है तो मैं हूँ। मुझे लगता है इस चुड़ैल की जान इस पंखे में है, अगर हम पंखे को ही उखाड़ दें तो शायद ये चुड़ैल भी खत्म हो जाएगी। हाँ कोमल तुम शायद सही बोल रही हो, और हम यहाँ फंस तो चुके ही हैं, तो मरने से अच्छा है एक बार कोशिश करके देख ले। पर कैसे, इस पंखे को इस चुड़ैल की नजरों के सामने उखाड़ना आसान नहीं है। क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो तुम दोनों, कि पहले तुम दोनों में से कौन लटकना चाहेगा? नहीं नहीं, मैं तो कोमल को बस यही बोल रहा था कि इतनी बड़ी चुड़ैल इस पंखे पर नहीं बैठ सकती, ये पंखा इतना पुराना और कमजोर है कि ये तो एक बच्चे के बोझ से भी नीचे गिर जाएगा। एक शब्द मत बोलना इस पंखे को, मैं खुद इस पंखे पर इतने सालों से रह रही हूँ और मैंने जाने कितने लोगों को इसी पंखे से लटका कर मारा है। ओहो तुम रह रही हो ना, पर तुम तो एक चुड़ैल हो, और चुड़ैल का इस पंखे पर बैठना और एक इंसान का बैठना अलग बात है ना? ऐसी बात है तो तुम इस पंखे पर बैठकर देख सकते हो, ये पंखा फिर भी नहीं गिरेगा। चुड़ैल राजेश की बातों में आ जाती है और पंखे से नीचे उतर जाती है। उसके बाद चुड़ैल एक चुटकी से राजेश को पंखे पर बिठा देती है। पंकज जल्दी से चुड़ैल का ध्यान इधर उधर बटाकर उस पंखे का पेच घुमा देता है। बिल्कुल सच कहा था तुमने, ये पंखा तो बहुत ही मजबूत है। तो अब तैयार हो जाओ सबके सब मरने के लिए। चुड़ैल पंखे के ऊपर जाकर बैठ जाती है और एक चुन्नी पंखे से लटका देती है ताकि वो सबको मार सके, पर वो चुड़ैल सबको मारती इससे पहले ही पंखे का पेंच बाहर आ जाता है और पंखे के साथ वो चुड़ैल नीचे गिर जाती है। नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, मेरा पंखा, अब मैं कहाँ रहूंगी, अब मैं सबको कैसे मारूंगी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। कमरे के दरवाजे और खिड़की खुद खुल जाते हैं और चुड़ैल उड़ते हुए सीधा खिड़की के बाहर निकल जाती है और हवा में कहीं गायब हो जाती है। उसके बाद वो कभी वापस नहीं आती। राजेश, कोमल और गुड्डी आराम से सो जाते हैं और अगले दिन उठकर अच्छे से गुड्डी का जन्मदिन मनाते हैं।